सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स आज संडे है और संडे स्पेशल क्यों वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ। और क्यों वीडियो के थ्रू आप लोग के जो कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं, मैं उसके ट्राई करता हूँ रिप्लाई देने के लिए। सो आप लोग को क्या करना है, बड़ी की तरह वीडियो में अंत तक बने रहे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट बात करेंगे टीडीसी के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे कंटिन्यू, टीडीसी सीबीसीएस के ऑर्ट सेम के रिजल्ट्स कब होंगे एंड नॉन सीबीसीएस के ऑर्ट सेम के एग्जाम कब होंगे। सो टीडीसी सीबीसीएस के जो ऑर्ट सेम के रिजल्ट्स है ये अगस्त के आसपास आएंगे। एक दो वीडियोस में मैंने उसका अपडेट भी दी है। सो फिर भी क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं, सो रिप्लाई देना पड़ेगा। सो जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट है वो रिजल्ट अगस्त में आने के ज्यादातर पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं नॉन सीबीसीएस के और सेम के रिगार्डिंग। सो उसका जब नोटिस आया था मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दिया था। सो आप लोग के जुलाई फर्स्ट वीक को आप लोग के एग्जाम होंगे, तो अभी तक उसके रूटीन नहीं आए हैं। रूटीन जब आएंगे मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बीएड के एडमिशंस के रिगार्डिंग। सो बीएड के एडमिशंस में कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस हो रहा है, सो उसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सो कुछ क्वेश्चंस का मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई देने के लिए। फर्स्ट पेमेंट इश्यूज को लेके, सो यूनिवर्सिटीज का ये प्रॉब्लम होता है। एचटीआर बी पीजी के जब एडमिशंस हुए थे उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग ने ये सब फेस किया है और अंडर अप्रूवल रख देते हैं। सो जब एंट्रेंस सामने आएंगे उसी समय यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक जितने भी अंडर अप्रूवल है उनको अप्रूव कर देंगे और जो एलिजिबल नहीं है फिर भी अप्लाई किए हैं उनका रिजेक्शन हो जाएगा। सो अगर आप एलिजिबल हो सो अंडर अप्रूवल होने से भी आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो अप्रूव है वो अप्रूव यूनिवर्सिटी कर देंगे। उसके बाद बीएड के रिगार्डिंग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कौन से स्टूडेंट्स उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो जो डिक्लेरेशन है उसमें तो लिखा हुआ है लास्ट ईयर 2021 नवंबर 30 से पहले जिनका क्लियर हो चुका है, टीडीसी क्लियर हो चुका है, वही लोग एक्चुअली अप्लाई कर पाएंगे। सो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और जिनका अभी तक टीडीसी क्लियर नहीं हुआ है अपीयरिंग देखिए आप एंट्रेंस दे पाओगे, बट एडमिशन टाइम में जाके आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो आपको लगता है अगर एक एक्सपीरियंस के लिए आपको एंट्रेंस देना है सो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि एंट्रेंस देके क्लियर कर दिया आपने, बाद में अगर एडमिशन नहीं होता है सो एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा वहां पे। उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, अदर यूनिवर्सिटीज से टीडीसी क्लियर करके क्या आसाम यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं। सो हाँ आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं और एक क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस के रिगार्डिंग कौन सा बुक फॉलो करें। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक दो बुक के लिंक दिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है बुक्स, क्योंकि सारा सिलेबस उसमें कवर अप किया हुआ है आसाम यूनिवर्सिटी का। सो अगर अच्छा लगता है आपको देन आप वो परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जब एग्जामिनेशन के डेट आए उसके बाद से स्टूडेंट्स लोग के क्वेश्चन आए कौन सा बुक फॉलो करें और क्या सिलेबस होंगे। सो सिलेबस तो अभी तक डिक्लेरेशन नहीं हुए, बट असम गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके बेसिस में अगर हम जाए सो ये हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट असम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट है। सो अदर्स डिपार्टमेंट के जो फॉलोस होते हैं वही ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर में सिलेबस को फॉलो किए जाएंगे। सो कौन सा बुक बेस्ट होगा ये भी बहुत सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के तरफ से। सो दो बेस्ट बुक मुझे लगा जो अमेजन में भी अवेलेबल है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके परचेस कर सकते हो। दोनों ही बुक्स अच्छे हैं और अगर ऑनलाइन परचेस करोगे सो कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, और ऑफलाइन अगर आपको परचेस करना है देन फुल रेट में आप परचेस लाइब्रेरी से कर सकते हो। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज के वीडियो में मैंने ट्राई की रिप्लाई देने की। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगने से वीडियो को एक लाइक एंड फ्रेंड्स में आप शेयर करें ताकि उनको भी कंप्लीट अपडेट्स मिले। और ऐसे आप डिस्कस स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।